हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत, मतलब ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, बिकॉज पेन बहुत है अभी भी। मुझे पेन किलर मुझे टाइम टू टाइम दे ही रहे हैं, पर जैसे असर ख़त्म हो रहा है वैसे पेन स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग तो मेरा देखा ही, लास्ट ब्लॉग हम लोग किस तरीके से एंजॉय करते हुए हॉस्पिटल आए थे, पैकिंग करी थी। तो गाइज बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करेंगे कि मतलब आपको पेन नहीं हुआ, आपने सेक्शन का प्लान कैसे कर लिया। तो गाइज मेरा टाइम जो था 9 मंथ कंप्लीट होने में, आई थिंक 10 डेज, 7 डेज या 8 डेज बचा था सिर्फ। और मुझे खुद को थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी, मीन्स वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी ना मुझे ना बेबी को, बट ऐसे ही मैं थोड़ा सा मतलब कंफर्ट नहीं हो रही थी। तो हमने फिर डॉक्टर से भी अपने बात किया, हमारी डॉक्टर ने भी बोला कि नॉर्मल तो मतलब चांसेस थे नॉर्मल अगर ट्राई मैं करती, बट मुझे पेन सहने की बिल्कुल भी आदत है ही नहीं, मुझे लगा मैं झेल नहीं पाऊँगी। सेकेंड थिंग, बेबी तो बिल्कुल सही पोजीशन पे था, यहाँ पर होना चाहिए था, नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी थे। जो कॉर्ड होता है बेबी के गले में, वो आई थिंक 2 टाइम या 3 टाइम हो गया था, तो उससे शायद जो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम होती, बेबी को प्रॉब्लम होती, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि चलो सिजेरियन करा लेते हैं, फुर्सत मिल गया। तो इसलिए हम लोग खूब अच्छे से रेडी शेडी होकर हंसते हुए खुश होते हुए आए थे। सो आज मेरा ये सेकंड ब्लॉग है, हॉस्पिटल का सेकंड डे है। अभी मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहे हैं, मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, देखते हैं क्या अन्या क्या कर रही है। अन्या तो, अन्या की मम्मी अब जाके कहीं बैठी हुई है फ्री होकर, पूरी रात नहीं सोई है, पूरी रात भाभी बैठी हुई है ना भाभी, और पूरी रात वो रो रहा था, 2-2 घंटे पे उठ जा रहा था, वो कितनी, हाँ अभी सो रहा है। आन्या लेकर बैठी है, लेकिन आन्या का चेहरा नहीं, हाँ दिख रहा होगा। आन्या हाय करो सबसे, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। तो आन्या तो सो गई थी रात को, तो आज का भी ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोग साथ में। और अभी इनके फ्रेंड को बता दो, आन्या भी रो रही थी, बेबी रो रहा था तो। हाँ यस गाइस, जब रात को बाबू रो रहा था तो आन्या भी बहुत रो रही थी। वो जब जब रोना शुरू करे इसके तो बस भैया आंसू ही रुक रहे हैं, तेज तेज से रो रही है अभी, मतलब दो दो बाबू को हमको संभालना पड़ गया, दो दो बाबू को संभाल रही थी भाभी, उधर आन्या को चुप कराए, इधर इनको चुप कराए। अब वो रोना शुरू कर दे तो आन्या और रोना शुरू कर दे कि बाबू क्यों रो रहा है। चलो थोड़ी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते रहेंगे, एंड आज कौन आएगा मुझसे मिलने के लिए वो भी मैं कैप्चर करूँगी अगर कर पाऊँगी तो। हाँ सच में लेट्स सी। कितना हो रहा है नेहा? नेहा टाइम कितना हो रहा है बेटा? टाइम हो रहा है 12:10। अच्छा, सो अभी 12:10 हो रहे हैं और ब्लॉगिंग करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है बिल्कुल, लेकिन फिर भी कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा।
आप लोग के लिए ब्लॉग भी रेडी हो जाएगा। तो अभी बाबू हमारा देखो मिल्क पी रहा है, ये नर्स दीदी है पिला रही है, और बाबू की दोनों मौसी आई हुई है, ये तो बड़ी परमानेंट है। देखो नेहा मौसी, गौरी मौसी, नेहा किसी से फोन पे बात कर रही है सीआर जैसे, इसलिए मुंह बना रही है। तो अभी हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, बैठे हैं। अभी मैं अपने बाबू को ले भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, ठीक से। बहुत जल्द फेस इसका रिवील करूँगी, बिकॉज अभी मैं फेस रिवील नहीं कर सकती, छठी वाले दिन इसका फेस रिवील करूँगी मैं। तो आप लोग को अभी ऐसे ही देख के काम चलाना पड़ेगा, पैर देख के काम चला लीजिए, हाथ देख के काम चला लीजिए, है नहीं? तो बाबू का फेस बाद में रिवील करेंगे छठी वाले दिन। गौरी मौसी है, बहुत परेशान करती है, पप्पी बहुत लेती है। किचन का दरवाजा ठीक है, बाहर दरवाजा ठीक है, इसको बढ़िया बंद हो गया। आज समय देखेगा बस, अगर वो भाई आए ना छोटे कमर ठीक कर देंगे, चार ठुके ना बहुत खुला है, पता है दर्जन बड़ा खुश उनको धर मेरे काम खाज प्लीज देखेगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, आई मीन मैं कल नहीं कुछ कर पाई, और कल थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से कल ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, और कुछ मतलब मन भी नहीं कर रहा था। तो अभी मेरी मम्मी पापा आने वाले हैं, क्योंकि वो भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों जन को बहुत तेज़ से कोल्ड हो गया है, और इन्फेक्शन की वजह से हम लोग मना कर रहे हैं कि कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए या बेबी को इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर वो आएंगे, दूर दूर थोड़ा बैठेंगे, बेबी से दूर ही रहेंगे, और मे भी आज इवनिंग में मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया जाए यहाँ से, तो फिर इस ब्लॉग को मुझे करना पड़ेगा एंड, तभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग बना पाऊँगी, बिकॉज आज डिस्चार्ज करके घर जाना होगा मुझे। तो शायद मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँ, या फिर हो सकता है अभी कुछ ऐड करूँ। तो हमारा बेबी अभी सो रहा है, दिखाती हूँ आपको, ये इसके अंदर सो रहा है, ये इसका बस एक ही काम है, दूध पीना, सो जाना। मैं इसका फेस अभी रिवील नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा इसका फेस देख सकते हैं, यहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं इसका फेस बहुत जल्दी मैं रिवील करूँगी, बहुत जल्द। आज मुझे बेटर भी फील हो रहा है, और पेन भी काफ़ी हद तक मेरे ठीक हो चुके हैं। तो सोच रहे हैं आज हम लोग डॉक्टर की, मुझे कोई दिक्कत तो है भी नहीं, बेबी भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो आज थर्ड डे है, थर्ड डे तो डिस्चार्ज कर ही दूँगी। थर्ड डे वैसे भी इनका वो रूल होता है कि अगर बेबी एंड मदर दोनों ठीक हैं तो ये डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये मेरे पापा और मम्मी हैं, दोनों जन को बहुत तेज़ कोल्ड हुआ था, बट फिर भी ये लोग बेबी से बहुत दूर थे, बस ऐसे ही दूर से ही देख रहे थे। और मैंने मना भी किया था कि मत आना, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं एक बार आएंगे, इनका मन नहीं लग रहा था, तो बस आए हुए थे। यहाँ पर पति मुझे कुछ काम में लगे हुए हैं, वही एज़ यूजुअल ऑलवेज बिजी इन वर्क। सो यहाँ पर भी बिजी ही चल रहा है, ये तो भाभी है, यहाँ पर ये बाबू को लेकर बैठी हुई है,
और फिर ये गाइस मेरा लास्ट ब्लॉग है, और सॉरी लास्ट ब्लॉग नहीं है, आई मीन ये ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग आई मीन मैं मिसाल जो होने वाली हूँ वो ब्लॉग मेरा होगा। सो प्लीज़ इस ब्लॉग को भी पिछले ब्लॉग की तरह प्यार एंड सपोर्ट देना। बाय।